अतिथि तुम कब जाओगे? ओपो कितनी बेइज्जती कराओगे? हालचाल सस्वीकाल देवियों सज्जनों, कैसे हैं आप लोग? तो ये है हमारा नया सेटअप देवियों सज्जन। हरियाली के बीच जरूरी था ये कि थोड़ा सा चेंज किया जाए, माहौल को थोड़ा सा खुशनुमा बनाया जाए। अगर आप थोड़े से एक्टिव हैं इस चैनल पे खासकर, तो आपको पता ही होगा कि हम लोग बात कर ही लेते हैं। अभी 3 महीने पहले ही ओप्पो रेनो 3 लॉन्च हुआ था और अभी ताज़ा नया एकदम शानदार, कहने के लिए शानदार ओप्पो रेनो 4 लॉन्च हो चुका है। क्या वो प्राइस को जस्टिफाई करता है नहीं करता, वो जानेंगे हम लोग आज की वीडियो में। ओप्पो बेसिकली बन चुका है एक अदरक की तरह, कहीं से भी बढ़ता जा रहा है। कहने के लिए सबसे हल्का फोन है, प्राइस में तो काफी भारी है। बात वही है, चैनल की परंपरा वही है, प्राइस को जस्टिफाई ये करते नहीं है। इंडिया में तो इन लोगों ने 720G के साथ में लॉन्च कर दिया, भले ही कोई कंपनी फोन भेजे या ना भेजे, नजरें रहती हैं हमारी। अब बेसिकली ओप्पो रेनो 4 प्रो के बारे में ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया इसे फ्लैगशिप फोन की कैटेगरी में डाला जाएगा या फिर बजट सेगमेंट फोन की कैटेगरी। इसमें क्वालिटीज तो बजट सेगमेंट वाली है, बट प्राइस जो है वो फ्लैगशिप वाली है। आप इसके लिए कितना खर्चा करना चाहेंगे जरूर बताएं। परफॉर्मेंस जाए तेल लेने, हमारे चैनल पे प्राइस आसानी से जस्टिफाई नहीं होती। फोन के एस्थेटिक्स हैं, एर्गोनॉमिक्स हैं, वो आप कितना देख लेंगे। जब जेब से 35,000 निकलते हैं ना भाई साहब। ओप्पो ने हमें दी है 4000 mAh की बैटरी, जो कि बुरी नहीं है, आपका एक दिन निकल जाएगा। 65 वॉट का फास्ट चार्जर इन्होंने दे रखा है। 161 ग्राम का ये फोन है, इतना हल्का कि आप महसूस भी ना कर पाए। प्रोसेसर के बलबूते पे तो इन्होंने पैसे लेने हैं। सुनने के लिए आपको अच्छा लगेगा, स्नैपड्रैगन 720G डुअल क्लस्टर ऑक्टा कोर CPU के साथ में, क्योंकि भैया कंपैरिजन इसका हो रहा है स्नैपड्रैगन 765G के साथ में, कि भैया लाना था तो वही ले आते। भैया ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। इस प्रोसेसर के साथ में मेरे को 15,000 रुपए में फोन मिल रहा है, तो मैं ओप्पो वालों, मैं आपको 35,000 अपनी जेब से क्यों निकाल के दूंगा। बट देवियो सज्जनों, ये साल ही कुछ ऐसा है, स्नैपड्रैगन 720G और स्नैपड्रैगन 765G में डेली यूसेज में आपको इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो वहीं जब आप पबजी खेलेंगे, 35,000 दे और फिर भी पबजी आप हाई सेटिंग्स पे ना खेल पाए, अरे यार। और इसकी USP है कर्व्ड डिस्प्ले। अब आप ऐसा मत समझिए कि आपकी सोच के 3.5mm का जैक मिला है। आपको अगर फ्लैगशिप वाली फील चाहिए, पहली चीज तो आप 35,000 रुपए निकाल दीजिए अपनी जेब से, रख दीजिए, भले ही आप जीवन का आनंद ना ले पाए। ओप्पो वालों ने बेसिकली इस फोन में तो लगता तो नहीं कि मेहनत की है। भैया जब 35,000 का फोन है तो डिस्प्ले अच्छा होगा। क्या डिस्प्ले के लिए आपको मिलता है 6.5 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले, और भैया इस प्राइस सेगमेंट में कर्व्ड डिस्प्ले आ गया तो ठीक है। अगर मैं 35,000 दे रहा हूँ ना, कोई बड़ी बात नहीं है। 6.5 इंचेस की स्क्रीन है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। बट ओप्पो वालों ने कहा है कि आपको इश्यूज नहीं आएंगे, ये ना सोचे कि कंज्यूमर के लिए उन्होंने सोचा है, कतई नहीं। 35,000 के फोन में अच्छे ब्राइटनेस लेवल्स होंगे ही होंगे, ये बट जस्टिफाइड चीजें हैं। और ये सेम प्रोसेसर आपको पोको M2 प्रो और रियलमी 6 प्रो में मिल जाएगा 15,000 की रेंज में, उससे ज्यादा आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। कर्व डिस्प्ले चाहिए तो बात अलग है, तो बात बेशक अलग है। और सिंगल वेरियंट में आता है ये 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में। तो भैया 4000 mAh की इन्होंने बैटरी दी है, 65 वॉट का चार्जर है, जो कि आपके फोन को 0 to 100% 36 मिनट में चार्ज कर देगा एज पर कंपनी क्लेम। बट ओप्पो का आप क्लेम सुनिए जरा, ओप्पो ने ये कहा है कि फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो बैटरी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करती लॉन्ग टर्म में। अब भैया हमें क्या पता इस क्लेम में कितनी सच्चाई है, अब ये समय समय की बात है, ओप्पो के जज्बात है। हमारा नया सेटअप, क्या बात है। अब इसमें क्वाड कैमरा सेटअप है, बहुत ही रेगुलर सी चीज। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है 1.7 एपर्चर के साथ में, अल्ट्रा वाइड सेंसर आता है 8 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर के साथ में, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा। क्या चाहते हो चचा, हम पैसे दे दे आप बदले में हमें कुछ ना दें? चचा सुनो, पेरिस्कोप लेंस ही लगा लेते। 35,000 अगर कोई देता तो उसे बोलने में भी अच्छा लगता। जितने भी सैंपल ऑनलाइन अवेलेबल है, एज डिटेक्शन काफी अच्छा है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। प्रोसेसर बुरा नहीं है, 720G एक अच्छा प्रोसेसर है, बट वही बात है ना भैया, जब आप प्राइस के साथ में नंबर गेम खेल रहे हो चचा, हम भी तो नंबर चाहते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़न का एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, अगर आपको कुछ भी खरीदना हो, छोटा सा छोटा सामान अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उस लिंक को यूज करें,
वो थोड़ी सी हेल्प कर देगा, YouTube पैसे दे नहीं रहा, आप ही दे दें। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, और अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक कॉमेंट शेयर अनसब्सक्राइब, एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। Oh, my God.